हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटेट 2021 एग्ज़ाम को लेकर। 28 नवंबर 2021 को होने वाली यूपीटेट की परीक्षा में आपको क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। आगे बता देते हैं, मार्कशीट में कहाँ टेस्ट करानी है आपको, ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आ रही है। जो कल PNP द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई थी, वह DLED प्रशिक्षण बैच 2019 के द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण हो चुके शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के अंक पत्र सत्यापित वेरीफाई करने के विषय में थी। तो आप लोग उसको सही से पढ़ लीजिए क्या दिया गया है उसमें, ठीक है। और आप अपने कॉलेज से भी जाकर अपनी मार्कशीट को वेरीफाई करवा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। यूपीटेट 2021 विशेष सूचना क्या है। यूपीटेट 2020-21 परीक्षा कक्ष में ले जाना है, क्या क्या ले जाना है। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क और सैनिटाइज़र भी आप लोग अपने साथ रखिएगा। काला पेन, एक ब्लू पेन रखिएगा, ठीक है। एक ब्लैक पेन रखिएगा पतले पॉइंट का, ठीक है। एक मोटे पॉइंट का ब्लैक पेन रखिएगा अपने साथ में, जो आपको गोले करने के काम आएगा, ठीक है। आगे है फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति, जो आपका पहचान पत्र होगा, जिसे वो फॉर्म भरते समय जो आपने अपनी ID लगाई होगी उसकी मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जानी है। नंबर है प्रशिक्षण अंक पत्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी जो आपके प्रशिक्षण अंक पत्र है उसकी क्या ले जाना है, मूल प्रति, ठीक है। आगे है मूल प्रति ना होने पर किसी भी सेमेस्टर की कंप्यूटर से निर्गत हस्ताक्षर युक्त अंक पत्र कॉलेज या प्राचार्य डायट प्राचार्य से आप प्रमाणित करा लीजिए, ठीक है, वो आपकी वैलिड होगी। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है वो डाउनलोड कर लीजिए, साइट एकदम सही चल रही है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो OMR सीट होगी। OMR सीट को हम लोग कैसे फिल करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हमको फिल करना होगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आप अपने इसमें फिल कर लीजिए। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर आप फिल कर लीजिए। इसके बाद आप जैसे 2 दिया हुआ है तो आप दूसरे नंबर का गोला काला करेंगे, आगे 1 दिया हुआ है तो आप दूसरी लाइन का पहला यानी 1 वाला जो गोला है वो काला करेंगे। ऐसे करके रोल नंबर दिया हुआ है तो रोल नंबर आप यहाँ फिल कर लेंगे, फिर आप गोले फिल कर लेंगे इससे। फिर आपको अपनी बुकलेट की सीरीज़ डालनी होगी, कौन से बुकलेट नंबर आपको मिली है वो आप पेपर में देख कर फिल कर लेंगे। आगे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपने इंग्लिश लिया होगा या तो संस्कृत लिया होगा, तो आप वहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर गोले काले करने होंगे जो सीरियल से दिए होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो ये 1 से लेकर 30 तक होगा, फिर 30 से लेकर 60 तक होगा, ऐसे पूरे 150 क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सबसे नीचे आपको अपना नाम भरना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा, फिर अब पिताजी का नाम भरना होगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम सेंटर का नाम भरना होगा, और सबसे नीचे आप देख लीजिए यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, जो आपने फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किए हैं वही यहाँ पे सिग्नेचर आप कीजिएगा। और लास्ट पे आपको ये भी भरना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी 150 क्वेश्चन पूरे टोटल होंगे, आपने 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो आपको किस में भरना होगा, वर्ड में भरना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ तो OMR सीट है, इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF होगी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। और जो एडमिट कार्ड के जो नीचे नोट में दिया हुआ है उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड में ही आपके मेंशन है, ठीक है। तो ये थी बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर से सभी लोग पास हो जाइए, ठीक है। थैंक यू।